कबीर केसो केसो कुकिया ना सोइए आसार, रात दिवस के कुकने कबहू कै सुने पुकार। कहिंदे रात दिन पुकार कर उस मालिक दी उनू याद कर, कोई ना कोई दिन ता आई जाना है कि जिदन तेरी उस मालिक ने फरियाद कबूल कर लेनी है। ओ किते सुनेगा पुकार तेरी वाहे गुरु, केसो केसो कुकियो मना, किते सुनेगा पुकार तेरी वाहे गुरु, केसो केसो कुकियो मना, सुनेगा पुकार तेरी वाहे गुरु, केसो केसो कुकियो मना, किते सुनेगा पुकार तेरी वाहे गुरु, केसो केसो कुकियो मना, किते सुनेगा पुकार तेरी वाहे गुरु, केसो केसो कुकियो मना, किते सुनेगा पुकार तेरी वाहे गुरु, केसो केसो कुकियो मना, सुनेगा पुकार तेरी वाहे गुरु, केसो केसो कुकियो मना, किते सुनेगा पुकार तेरी वाहे गुरु, केसो केसो कुकियो मना, केसो केसो तू 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 कुकियो मना, किते सुनेगा पुकार तेरी वाहे गुरु, केसो केसो कुकियो मना, किते सुनेगा पुकार तेरी वाहे गुरु, केसो केसो कुकियो मना, सुनेगा पुकार तेरी वाहे गुरु, केसो केसो कुकियो मना, किते सुनेगा पुकार तेरी वाहे गुरु, केसो केसो कुकियो मना। कहिंदे कोई ना कोई समा ओ आ जाना है जिदन मालिक ने बख्शिश कर देनी है, ते तेनू वो मालिक दे दीदार हो जाणगे। कोई ना कोई समा, कोई ना कोई एहो जा दिन आ ही जाना है। इसे लई साहिब जी कहिंदे ने घर अंदर सब बत है बाहर किछ नाहीं। इस शरीर दे अंदर कायां दे अंदर सब कुछ है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाही। गुरु की कृपा दे नाल, गुरु की जदों कृपा हुंदी है ते गुरु दे कोलो नाम शब्द की दात लैके जदों जीव नू नाम सतगुरु जी बख्शिश करदे ने, फिर रहमत कर दिंदे ने, मस्तक ते हथ धर के अंदरों कपट कपात खोल दिंदे ने, फिर अनुभव ओनू उपरला होन लग पैंदा है। सतगुरु कहिंदे ने फिर बाहरलियां जिहड़ियां गल्लां ने ये बंद हो जांदियां ने, ते अंदरों मालक वालियां जिहड़ियां गल्लां ने शुरू हो जांदियां ने। इस काया अंदर वास्ते असंखा सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने इस शरीर दे अंदर अनेकां ही असंखा असंखा दी गिणती दे विच कहिंदे इस काया अंदर वास्ते असंखा गुरमुख साच मिलै तां वेखां। जदों पूरा गुरु मिलता है, नाम जपन वाले मिलते ने, महापुरख संत जन जदों पूर्ण सतगुरु मिलते ने, तो फिर वह अंदरों विखाते ने वस्तुआं। बंदे बंदे अखियां नू खोल, जिन्नू लभदा ए वसे तेरे कोल, बंदे बंदे अखियां नू खोल, जिन्नू लभदा ए वसे तेरे कोल, बंदे बंदे अखियां नू खोल, जेड़ा लभदा
ਮੈਂ ਬਸੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਏ ਬਸੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ ਐਵੇਂ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ ਐਵੇਂ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ ਐਵੇਂ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਖੁਰਾ ਦੱਬਦਾ ਫਿਰੇ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਟੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਏ ਵਸੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਏ ਵਸੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਏ ਵਸੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦੇ ਕਈ ਮਰ ਗਏ ਬਾਹੋਂ ਪਕੜਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਈ ਨਾ ਰੱਬ ਮੱਕੇ ਨਾਮ ਸੀਤੀ ਤੇ ਕੋਠਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਵਸਿਆਈ ਨਾ ਉਹ ਗਿਰਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਨਸਿਆਈ ਨਾ ਉਹ ਟੱਲ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਰੀਝਦਾ ਏ ਨਾ ਉਹ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਿਆਈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁੱਲ ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਸਤਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆਈ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਏ ਵਸੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਏ ਵਸੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਏ ਵਸੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਂਦੀਆਂ ਚੱਲਣਾ ਏ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਤੇਰਾ ਉਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਫੇਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲਦਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਿਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਏ ਵਸੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਏ ਵਸੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਏ ਵਸੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਮਨ ਮਾਨ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨਰ ਦੇ ਲੈ ਧਾਰੋ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੋ ਮਤ ਕੋ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਉਤਰ ਸਪਾਰ ਭੁੱਲੇ ਕੋ ਗੁਰਮਾਰਗ ਪਾਇਆ ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਹਰ ਭਗਤੀ ਲਾਇਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਅਗਣਿਤ ਵਡਾਈ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਏ ਵਸੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਏ ਵਸੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਏ ਵਸੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਬਸਤ ਅਸੰਖਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੇਖਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸੰਤ ਜਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਧੂ ਜਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਨੁਭਵ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਕਿਉਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ
जन्मा जन्मांतरां दियां मैलां लगियां होईयां ने ते सतगुरु जी कहिंदे ने जदों फिर जपेगा मालक दा नाम सिमरन करेगा वह मैल तेरी लैनी शुरू होवेगी। इसलिए कहिंदे ने इस मन को मल जन्म जन्म की इस मन को मल लागी जन्मा जन्मा की इस मन नू मैल लगी हुई है जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला हो आ स्याहो शाह काला होया ते नाम जपण दे नाल सिमरन करन दे नाल बाणी पढ़न दे नाल ओ मैल जिहड़ी है ओ धोती जानी है लैनी है। इसे लई सानू अंदरों जिहड़े मालक दे दीदार नहीं हुंदे ना उहदा कारण भी इहो ही है क्यों मालक दा नाम परमेश्वर दा नाम सतगुरां ने सानू बख्शिश कीता है सानू नाम दी दात मालक ने साड़ी झोली दे विच पाई है ते नाम जपन वाला जेड़ा समा है वह समा कोई विरले है विरले ना ही घने कोई विरले ही ने जेड़े उठते ने महापुरखों का बचन मनते ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे तेरा सारा दुख उदो ही दूर हो जाना जदों अपने सतगुरु का बचनी पले बन लवे सतगुरु का बचनी मन लवे ते तेरा सारा दुख दलिद्र जिहड़ा है ना ये दूर हो जावे खत्म हो जावे जदों तू अपने गुरु का अपने मालक का बचन मन लवे। साढ़े तो बचन ही नहीं मनिया जाता नाम तो आप की जपना है। रात 12:05 का समा सानू सतगुरां ने बख्शिश किया है कि नाम जपण का समा 12:05 ते है अमृत वेला वो है। इसलिए कहिंदे ने अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार मालक दे दर घर दियां सारियां वडियाइयां झोली दे विच पैंदियां ने। जिहड़ा अमृत वेले 12:05 ते उठ के परमेश्वर की इबादत दे विच बैठदा है कहिंदे ने नहीं जपिया जांदा ते ना सही पर हाजरी तलवा मालक दा हुक्म तां मन लै जिहड़ा मालक दा हुक्म मनदा बैठदा भावें 10 मिंटी मालक दे हुक्म दे विच आग्या दे विच हो गया ते कहिंदे उहदा जो भी लेखा हिसाब है मालक आप ही कटदा जांदा कि मेरे हुक्म दे विच मेरे हुक्म दा बद्धा होया बैठा है मेरे हुक्म दी पालना करदा है भावें 10 मिंट 20 मिंट ही बैठा जांदा है पर हुक्म तां मन्ने पर आपां नाम लिया है माफ कर देना पर वह जिहड़ा समा मालक ने रख्या है ना ते जिहड़ा उदों उठदा है कहिंदे सूरा सो पहचानिया जो लरै दीन कहेत सूरमा ही असल वह है जिहड़ा रात नूं उठदा है ते ए दलिद्र दे नाल नींदर दे नाल लड़दा है। जागना जिहड़ा है हर रोज पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़े खेत रोज रात नूं उठ उठ के बैठना ए एक मरण दी तरह है हर रोज मरना पैंदा है नींदर बड़ी प्यारी है सवेरे 9 बजे उठन वाले भी एहो गल कह देंदे ने कि तड़के ही उठ पए आ 9 बजे 9 बजे नूं भी तड़का ही कह दिंदे आ ते सतगुरु कहिंदे ने अमृत वेला जिहड़ा है भाई सांभना 12:05 का समा ये किते टाइम अपना गवा लैण लई जिहड़े गुरु वाले ने उहनां नूं विशेष तौर पर गुरु का हुक्म है ते जदो आपां हुक्म अबदूली करदे आं हुक्म तो बाहर जाने हुक्म नहीं मन्निया जांदा मालक दा 12 बजे कोई उठदा नहीं बैठिया नहीं जांदा ते फिर दुख ही मिलदे ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने इह ना कह कि मैनू वह मालक दे अंदरों सतगुरु दे दर्शन नहीं होए हर रोज पुकार कर। कबीर साहब जी कहिंदे ने रोज उठ के उस मालक नूं याद कर चिंतन कर। कबीर केसो कूकिया केसो ओ मालक दा नाम है उस मालक नूं याद कर केसो कूकिया ना सोईए आसार रात दिवस के कूकने कबहू कै सुने पुकार। किते ना किते ओ समा आ जाना है जदों उठ के तू हर रोज मालक नूं याद करेगा ते ओ तेरे कोल हर काम तेरे तन्ने भगत वांगू तन्ने जट वांगू
सारे काम तेरे मालक आप करेगा। इसलिए कहते ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी कि जेड़ा अमृत वेला है, अमृत वेले का जागना जे कोई जागे नित, जेड़ा हर रोज जागता है, उठता है, मालक की इबादत करता है, सिमरन करता है ना गुरु दे हुक्म दे विच रह के, ते सतगुरु फिर कैसियां बख्शिशां करदे ने। कहिंदे अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित, ते की हुंदा है, एक बधेंदी आरजा दूजा साहिब आवे चित। उमरा भी वधदी है सौण दे नाल, विकार करन दे नाल उमरा जिहड़ी है घटदी है, ते मालक दी इबादत सिमरन दे विच बैठन दे नाल साहिब जी कहिंदे ने उमर भी वधदी है ते ओ मालक भी चेते आउंदा है। अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित, एक बधेंदी यार जा दूजा साहिब आवे चित। इसे लई साहिब जी कहिंदे ने जो खोजे सोई पावे होर फूट मुए अहंकारी। जेड़ा खोजदा है, जेड़ा याद करदा है, जेड़ा बैठ के मालक दी इबादत करदा है ते ओह ही पाउंदा है। ये वस्तुआं जेड़ियां ने अंदरों मालक दे दीदार ओह ही करदा है जेड़ा बैठदा है हुक्म दे विच। जो खोजे सोई पावे होर फूट मुए अहंकारी। ते सतगुरां दे चरणां दे विच सेवक नूं तां इहो बेनती करनी चाहीदी है, सच्चे पातशाह हो कृपाल स्वामी मेरे संतां संग बिहावे, तुद हो भुले से जम जम मरदे तिन कदे ना चुकण हावे। इहो बेनती सतगुरां दे चरणां दे विच करनी चाहीदी है सेवक नूं कि सच्चे पातशाह जी किते दयाल हो जावो, साडे ते कृपा कर दो, असी औगण हारे हां, खिण खिण भुलण वाल हार हां, ते पर तू बख्शन वाला है मेरे मालक, सानू बख्श लै, साडे गुनाहां नू बख्श लै। हम अवगण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड बिखै बिख खाही। अमृत नू छड के, मालक दे नाम नू छड के, ते आपां विशियां विकारां दी व्योह नू चखदे फिरदे आं। इसे लई साहिब दे चरणां विच बेनती करनी चाहीदी है जग्यासू नू, नानक कचड़ियां स्यों तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्कियां। कच्चे कौन ने? कच्चे दुनियावी रिश्ते नातियां वाले, माता पिता भैन भरा साख संबंधी ये सब कच्चे ने। कहिंदे कचड़ियां स्यों तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्के। पक्के कौन ने? संत कौन है? कहिंदे जिन्ना सास ग्रास ना विसरै हर नामा मन मंत, धन से सही नानका पूर्ण सोई संत। पूर्ण संत जेड़े ने जदों फिर ये जीव पूर्ण संतां महापुरखां दे लड़ लगदा है ते सतगुरु जी बख्शिशां करदे ने। कहिंदे फिर जदों पूरियां दे लड़ लगा जीव कचड़ियां सों तो, नानक कचड़िया स्यों तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्किया। जो पक्किया नूं मिलता है जीव ते कहिंदे ने ओए जीवन दे विछड़े, ये जेड़े भैन भरा रिश्ते नाते साख संबंधी ने ना, ये तो जींदियां नूं भी छड़ दिंदे ने माया दे पिछे, माया दी खातर, माया दी खातर, जमीना जायदादा दी खातर। इको माता दे पेट दे विचों जन्म लैण वाले बच्चे जेडे ने एक दूसरे दे दुश्मन हो जांदे ने। जमीन दी खातर पुत्र अपने बाप नू कतल करन तक चलिया जांदा है, कर दिंदा है। ये सारे रिश्ते नाते जेडे ने कच्चे ने। इसे लई कहिंदे ने ओए जीवन दे विछड़े, ये तो जींदियां नू छड़ दिंदे ने, विछड़ जांदे ने। ओए मोया ना जाही छोड, कहिंदे जिहड़े पक्के संतां दे लड़ लगे ने, चरनी लगे ने, ते संत ऐसे ने ओह तां मरे होए नूं वी छड़दे ने, आखो सतनाम पार ला दिंदे ने। जो शरदा नाल आके चरनी सीस निवाउंदे ने,
सचखंड नूं जाण दा रस्ता संत बताउंदे ने जो शरदा नाल आके चरणी सीस निवाउंदे ने सचखंड नूं जाण दा रस्ता संत बताउंदे ने जो शरदा नाल आके चरणी सीस निवाउंदे ने सचखंड नूं जाण दा रस्ता संत बताउंदे ने जो शरदा नाल आके चरणी सीस निवाउंदे ने सचखंड नूं जाण दा रस्ता संत बताउंदे ने जो शरदा नाल आके चरणी सीस निवाउंदे ने सचखंड नूं जाण दा रस्ता संत बताउंदे ने सचखंड नूं जाण दा रस्ता संत बताउंदे ने जो शरदा नाल आके चरणी सीस निवाउंदे ने सचखंड नूं जाण दा रस्ता संत बताउंदे ने सचखंड नूं जाण दा रस्ता संत बताउंदे ने हथ विच खुंडा फड़िया है गल कोटी पाई है एदां जापे अरशों आ गई जोत लाही है घर घर सेवक ताही एदी महिमा गाउंदे ने सचखंड नूं जाण दा रस्ता संत बताउंदे ने जो शरदा नाल आके चरणी सीस निवाउंदे ने सचखंड नूं जाण दा रस्ता संत बताउंदे ने सचखंड नाल आके चरणी सीस निवाउंदे ने सचखंड नूं जाण दा रस्ता संत बताउंदे ने जो शरदा नाल आके चरणी सीस निवाउंदे ने सचखंड नूं जाण दा रस्ता संत बताउंदे ने इसे लई कहिंदे ने जिहड़े रिश्ते नाते ने साख संबंध ने माता पिता दा जा भैणा भरावां दा सज्जणा मित्रां दा कहिंदे ए सारे जींदे छड़ जांदे ने जींदियां नूं छड़ दिंदे ने पर जिहड़े पूर्ण महापुरख ने पूर्ण संत ने ओए मोया ना जाई छोड़े मोया होया नूं मुरदियां नूं भी बाहों फड़ के पार ला दिंदे ने जिहड़े हुंदे ने गुरु वाले गुरु अपने सेवकां नूं मरिया होया नूं भी टिकाणे ला दिंदे ने इसलिए सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने नानक कचड़िया सो तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्कियां होए जिवंदे विछड़े होए मोया ना जाही छोड़ महापुरख मोया होना पार ला दिंदे ने आओ एक धारना पढ़ के फिर आप आरती कीर्तन करना है उड़ीकता महापुरखां दी सी ते उस तो उपरंत आपां विचार एहो करनी है कि जदों महापुरखां ने आराम कमरा बनाया ना ते सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी दे समें ते भी सिखा ने ऐसे कौतक देखे कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी आराम कमरे दा इह दरबार दी मुकम्मल तैयारी होई ते सतगुरां ने हर साल जदों दिन आउणा ते आराम कमरे दे विच श्री अखंड पाठ साहिब कराने अपने सतगुरां दे इलाही बाणी दे जाप रब्बी बाणी तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई जी दी जाप करवाउणे ते गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी दे वेले इक सिख उन्हां ने भी सतगुरां नूं याद कीता कि जदों सतगुरु आउणगे ते मैं अपनिया महलां दे विच फेरी जाणा है ये विचार आपां आरती कीर्तन करन तों उपरंत करदे आओ इक धारना पढ़ लईए विछड़िया होया नू साधु रब नाल जोड़ दे 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 रब नाल जोड़ दे जी रब नाल जोड़ दे रब नाल जोड़ दे जी रब नाल जोड़ दे रब नाल जोड़ दे जी रब नाल जोड़ दे रब
पिछड़िया होया नू साधू रब नाल जोड़ दे, पिछड़िया होया नू साधू रब नाल जोड़ दे, पिछड़िया होया नू साधू रब नाल जोड़ दे, पिछड़िया होया नू साधू रब नाल जोड़ दे। सुआओ गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरां दी अपार बेअंत बख्शिश होई है कि परसों दे रोज तो सतगुरां दे पावन अस्थान आराम कमरे दे विच दरबार दी मुकम्मल तैयारी दा सलाना समागम बड़ी शरदा ते भावना दे नाल अपने सतगुरां दी इलाही बाणी तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई जी दे श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ करके मनाए जा रहे ने। अज निर्विघनता सहित संपूर्ण ताइया हुई भोग पाए गए ने, भोग तो उपरंत आरती आरते दे कीर्तन हुए ने, कीर्तन भेट बेअंत माया महापुरखा वालों गुरु परिवार वालों ते संगतां वालों आई है। सतगुरु जी कृपा करन सब दियां नामां इशामां नूं आप जानदे ने, एक तो अनेक हर मैदान फतेह करन, सब दियां आसा मुरादां सब दियां झोलियां अपने दर तो पूरियां करन, कृपा करन खुशियां अपने दर तो बख्शिश करन। सुआओ इनियां हाजरियां प्रवान करनियां, इस तो अगला समा जिहड़ा है साढ़े सत्कारयोग पंज प्यारे सिंह साहिबान वो हाजरी लवाउणगे, फिर जिवे जिवे हुक्म तिवे तिवे कार। गज बज के फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। घर सुख वसिया बार सुख पाया, कहो नानक गुरमंत्र दड़ाया। जे अपने अंदर विच खुशी है तो बाहर भी खुशी है, जे अपने गुरां दे घर विच खुशी है तो सारिया संगतां दे घर विच भी खुशी है। आओ अरदास करिए सारी संगत, सतगुरु बाबा त्रिलोक सिंह महाराज का खेड़ा सदा खुशी ते सदा आनंद विच रवे, ते संगतां इत्थों खुशियां लै के जांदियां रहन अपने घरां नूं सदा वास्ते। आओ जिन्ना चिर इशारा महापुरखां दा होवेगा उन्ना चिर वास्ते समां लाया जाएगा, उस ही टाइम ते इशारे मुताबक चढ़दी कला की फतेह होवेगी। आओ रब्बी बाणी आकाशी बाणी अगम अगाध दी बाणी धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिन्हां दे परसों दे रोज तो श्री अखंड पाठ साहिब दे प्रवाह चल रहे आ, आराम कमरा मुकम्मल तैयारी महापुरखां दी चढ़दी कला वास्ते सारी संगत दी चढ़दी कला वास्ते महापुरखां ने यह दिन मुकर कीता है। आओ इस गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं सारियां संगतां एक बार नमस्कार करिए। महापुरख सत्संग घर दे बानी बाबा त्रिलोक सिंह जी जिन्हां ने सारा जीवन नाम बंदगी ते सेवा विच लाया है, उन्हां तों बाद सेवा दे पुंज रब्बी जोत धन धन सतगुरु बाबा गुरमेल सिंह जी ने अपने जीवन नूं सेवा विच लाया है। आओ उन्हां नूं भी नमस्कार करिए। दसां पातशाहियां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ते खूंडे वाले सतगुरु सतगुरु बाबा त्रिलोक सिंह सतगुरु गुरमेल सिंह महाराज दे खेड़े दी सुख मंगिए। गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत। ए दसां गुरां दे चरनी सी सनवावा मैं, बेड़ा पार लंघायो तरले पावा मैं, जी दाता बेड़ा पार लंघायो तरले पावा मैं, दसां गुरां दे चरनी सी सनवावा मैं, बेड़ा पार लंघायो तरले पावा मैं, जी दाता बेड़ा पार लंघायो तरले पावा मैं, गुरां दे चरनी शीस नवावा मैं, बेड़ा पार लंघावो तरले पावा मैं, जी दाता बेड़ा पार लंघावो तरले पावा मैं, गुरां दे चरनी शीस
सुनवावा मैं बेड़ा पार लंघायो तरले पावा मैं जी दाता बेड़ा पार लंघायो तरले पावा मैं गुरु नानक ने पर अपकार करया से लैने ताई जिसने अंगद करया से जी दाता लैने ताई जिसने अंगद करया से गुरु नानक ने पर अपकार करया से लैने ताई जिसने अंगद करया से जी दाता लैने ताई जिसने अंगद करया से गुरु अमरदास जी तेरी ओट टकावा मैं महिमा तेरी वे संगता दे गावा मैं जी दाता महिमा तेरी वे संगता दे गावा मैं दसा गुरा दे चरनी सी संभावा मैं बेड़ा पार लंघायो तरले पावा मैं जी दाता बेड़ा पार लंघायो तरले पावा मैं चौथे सतगुर रामदास तू छोड़ी जी सेवक ने आज आस तकाली तोड़ी जी जी दाता सेवक ने आज आस तकाली तोड़ी जी चौथे सतगुर रामदास तू छोड़ी जी सेवक ने आज आस तकाली तोड़ी जी जी दाता सेवक ने आज आस तकाली तोड़ी जी गुरु अर्जन जी तेरे ही गुण गावा मैं महिमा तेरी वे संगता दे गावा मैं जी दाता महिमा तेरी वे संगता दे गावा मैं दसा गुरा दे चरनी सी सनवावा मैं बेड़ा पार लंघायो तरले पावा मैं जी दाता बेड़ा पार लंघायो चरले पावा मैं छेवे हर गोबिंद श्री हर राय जी अठवें सतगुर होना यार सहाय जी जी दाता अठवें सतगुर होना यार सहाय जी छेवें हर गोबिंद श्री हर राय जी अठवें सतगुर होना यार सहाय जी जी दाता अठवें सतगुर होना यार सहाय जी गुरु तेग बहादुर तेरे ही गुण गावा मैं महिमा तेरी वैसा दे विच गावा मैं दसा गुरां दे चरनी शीश नवावा मैं बेड़ा पार लंघायो तरले पावा मैं जी दाता बेड़ा पार लंघायो तरले पावा मैं दसा गुरां दे चरनी शीश नवावा मैं बेड़ा पार लंघायो तरले पावा मैं जी दाता बेड़ा पार लंघायो तरले पावा मैं दसवें पिताजी जावा मैं बलहारे जी धर्म वास्ते वारे पुत्र चारे जी जी दाता धर्म वास्ते वारे पुत्र चारे जी पिताजी जावा मैं बलहारे जी धर्म वास्ते वारे पुत्र चारे जी जी दाता धर्म वास्ते वारे पुत्र चारे जी कीती जो कुर्बानी ना भुल जावा मैं बेड़ा पार लंघायो तरले पावा मैं जी दाता बेड़ा पार लंघायो तरले पावा मैं दसा गुरां दे चरनी शीश नवावा मैं बेड़ा पार लंघायो तरले पावा मैं जी दाता बेड़ा पार लंघायो तरले पावा मैं शीश नवावा आखर गुरु ग्रंथ नो संगत बंदना कर दी तीजे पंथ नो जी दाता संगत बंदना कर दी तीजे पंथ नो शीशन वावा आखर गुरु ग्रंथ नो संगत बंदना कर दी तीजे पंथ नो जी दाता संगत बंदना कर दी तीजे पंथ नो के ए नर वैर तेरा जस गावा मैं बेड़ा पार लंघायो तरले पावा मैं जी दाता बेड़ा पार लंघायो तरले पावा मैं दसा गुरां दे चरनी जी सुनवावा मैं बेड़ा पार लंघायो तरले पावा मैं
दाता बेड़ा पार लगायो चरले पावा मैं मुंडे वाले सतगुर आन दीदार दियो महिमा तेरी गावा बख्श पंडार दियो जी दाता महिमा तेरी गावा बख्श पंडार दियो मुंडे वाले सतगुर आन दीदार दियो महिमा तेरी गावा बख्श पंडार दियो जी दाता महिमा तेरी गावा बख्श पंडार दियो तेरे चरना च कोल कमावा मैं महिमा तेरी वे संगतां दे गावा मैं जी दाता महिमा तेरी वे संगतां दे गावा मैं दसां गुरां दे चरनी शीस नवावा मैं महिमा तेरी गावा तरले पावा मैं जी दाता बेड़ा पार लगायो तरले पावा मैं श्री गुरु नानक देव महाराज जी तो लैके धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तक बंदना बेनती की अखीरली पंक्ति विच क्या खूंडे वाले सतगुर आण ददार दियो महिमा तेरी गावां बख्श भंडार दियो जिंद नूं तेरे चरणा च घोल घमावां मैं महिमा तेरी विच संगतां दे गावां मैं खूंडे वाले सतगुर का क्यों नां लिया गया है इन्हां ने सानूं सचखंड की लैन दसी है सचखंड का रस्ता दसिया है सचखंड वासी सतगुरु बाबा त्रिलोक सिंह जी महाराज सचखंड वासी सतगुरु बाबा गुरमेल सिंह जी महाराज ने सारी जिंदगी सारा ही समा धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के लेखे विच पाया है सारिया संगतां नूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नाल जोड़िया अपने नाल नहीं श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे नाल जोड़िया है जो जुगां तो बाणी चलती आ रही सी जुगां तो नाम चलता आ रहा सी उस अकाल पुरख वाहेगुरु का सारिया संगतां नूं उस शब्द गुरु रब्बी बाणी नाल सारिया संगतां नूं जोड़िया है पातशाह जी ने उस बाणी नाल उस नाम नाल जोड़िया है जिन्हों मेरे सतगुरु बड़े प्यार नाल बोलते होंगे सी पंज सिंह साहिबान आले दुआले बैठे होंगे सी होर संगतां सतगुरां बड़े प्यार नाल कहना संसार रोगी नाम दारो 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 लागे सच बिना लागे सच बिना लागे सच बिना लागे सच बिना मैल लागे सच बिना संसार रोगी नाम दारू महापुरख सब गद्दियां उत्ते सत्संग घर टेसियां कानां विच लड़ियां चलाईयां नाम दियां केड़ा नाम सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विसरा श्री सुखमणि साहब दियां लड़ियां महापुरखां ने चलाईयां घर घर विच उह तुहाडा वी भला इहदे विच महापुरखां दा वी सारी संगत दा वी सारे देश दा सारी दुनिया दा भला है बड़े प्यार नाल मेरे सतगुरु ने तीन बार मोहर ला दित्ती कह दिता भला 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 तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप मोहर लाती तीन बार मोहर ला के कह दिता है कि बाणी पढ़ना भी एक संसार विच बहुत वड्डा भला है उस नाम नाल जोड़िया जेड़ा नाम सतयुग विच भी चलदा सी 84 वार विष्णु जी ने सतयुग विच जन्म लैके 84 वार गरीबां दी रक्षा करन वास्ते उस नाम की वडियाई की जिहड़ी बाबा त्रिलोक सिंह महाराज बाबा गुरमेल सिंह महाराज जी ने नाम संगतां नूं दे के उस रब्बी बाणी अकाल पुरख वाहिगुरु दे सरूप नाल संगतां नूं जोड़िया 17,56,000 साल की उम्र लैके
उस युग की सेवा की। महापुरख सतगुरु बाबा त्रिलोक सिंह महाराज जी के मुख का बचन है कि 17,56,000 साल की उम्र में वखरे वखरे कौतक करके वखरे वखरे चोले लैके संगतां दा उधार किया, विंगियां टेढ़ियां जूनां तों बचा के एक नाम दे रस्ते ते पाया, आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक ते जन कौ सदा नमस्कार। महापुरखां ने युग बदली होया है, नाल कौतक भी बदली कीते। आया है त्रेता युग, 17,00,000, वाहिगुरु 34,56,000 की उम्र सी सतयुग की, 17,00,000 28,000 साल की उम्र लैके त्रेता युग चालू किया, तो 84 वार ही उस युग में महापुरख आए। 84 वार उस नाम की वड्याई की जेडे नाम नाल पहला भी दसिया, धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन आवन का एहो सुहाओ, जन के संग चित आवे नाओ, आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। ओ नाम लैके 84 वार त्रेते युग विच भला कीता, पर कलयुग ने सतयुग विच भी वार कीता, त्रेते युग च भी कीता। 84 वार राम जी वखरे वखरे चोले लैके संगतां दा भला करन वास्ते आए। बाबा जी दसदे सी बाबा त्रिलोक सिंह महाराज कि उदों भी अखां वालियां विरलियां जीवां ने उहदी पछाण कीती, बहुते ते गल्लां विच ही ते निंदिया विच ही समां बतीत करके, जग में उत्तम काढ़िए विरले कई के विरले जीआं ने, को विरले प्राणियां ने, उहदी विचार करके सोझी पा के उहनूं मन्नणा कीता। आया है द्वापर युग, 8,64,000 साल की उम्र लैके 84 वार त्रेते युग के अवतार कृष्ण महाराज जी आए, जिन्होंने अपने राज विच अपने समय विच गरीबां की रक्षा की। एक बने 18 करोड़, एक बने 7 जाने परमेश्वर का नाम जपन वाले, परमेश्वर की हाजरी हजूरी च रहन वाले, उन्हां दी जित कीती। 5 पांडव 1 द्रोपता 1 कृष्ण महाराज जी, 7 जाणियां की उस वेले जित हुई, जिहड़े सच दे नाल जुड़े सी, जिहड़े सच नूं मन्नदे सी। महापुरख संत बाबा सुरिंदर सिंह जी ने एक बार सत्संग करदिआं समां दस्सिआ सी कि जदों ये दातां लैण वास्ते कैरों में गए, पांडव भी गए, इन्हां दे वड वडेरे, तो बहुता सौदा उन्होंने मिलता जेडे चरणों वाल खलो के हाथ जोड़ के बेनती करते हैं। महापुरखों के मुखारबिन का वचन है कि पांडवों के वड वडेरे जेडे सी वो चरणों वाल खलोते, जेडे कैरवां दे सी उन्हां च थोड़ी जी होमे सी, वो सिर वाले पासे खलो के अपनियां मंगां मंगते सी। की मंगिया? जिन्हें रथ, जिन्हें गड्ढे, जिन्ना तोपखाना, जिन्ना असला सानू दिता जाए। पांडवों को पूछा गया, कहिंदे महाराज हुण देना की है, सब कुछ तो कैरों ला गए, एक हुण तुसीं साडे नाल चले चलो, साड़ी जित तां होवेगी जे तुसीं साडे नाल हो। तो सतगुरु कहिंदे जिधर असीं होगे उधर जित होगी, क्योंकि जिधर सतगुरु हुंदा उधर जित हुंदी है। तो कहिंदे महाराज सानूं जित चाहीदी है। 84 वार सतगुरु ने त्रेते युग विच गरीबां दी रक्षा करन वास्ते जन्म लए, 8,64,000 साल की उम्र लई। आया कलयुग, 4,32,000 साल की उम्र लैके कलयुग आया। कलयुग ने अपने राज विच बड़े कर्म किए, इनू सुधार करन वास्ते 84 वार गुरु नानक देव महाराज जी ने आना है। आदि एक बहाना बनाया है लोगों के भले वास्ते, संगतां के भले वास्ते, कोई दिन नूं मकरल कर लो, इस दिन उत्ते अकाल पुरख वाहिगुरु की रब्बी बाणी, रब्बी बाणी दे जाप सत्संग कीर्तन होवे, ते सारी संगता भला होवे। गुरु नानक देव महाराज जी 8,64,000 साल के युग में, 4,32,000 के साल के युग में 84 चोले लैके आना। जीते रंधावे नाल गल की सी, जन्म साखी विच दर्ज आ, मरदाने नाल जीते रंधावे ने डेरे बाबे नानक बह के कहा, जीतिया असी 10 चोले गुरुआं दे रूप में आवेंगे, 74 चोले संतां दे रूप में आवेंगे, ते अखां वाले पछाण कर दे, बहुते ते निंदिया विच ही नंगा दिंदे समां। सो जिन्हां नूं सोझी मिल गई, जिथे भी कोई जुड़िया उहदे वास्ते परमेश्वर का रूप उत्थे ही आ। सो आओ, वो महान शक्ति इस नगर में आई बाबा त्रिलोक सिंह जी,
जिन्हां ने सतयुग विच भी नाम जपिया, त्रेते युग च भी जपिया, द्वापर विच भी जपिया, आया है कलयुग का समा तो वे जपन जपाने वास्ते उन्होंने सत्संग घर ढेसियां काना बनाया है, उन्होंने खोज की। हे ध्यान नाल सरवण करियो, कई बार दसन लग्या भी फर्क पै जाता है कि युगां की उम्र दसी बाबे त्रिलोक सिंह जी ने 34,56,000 साल उम्र सतयुग की, 17,28,000 साल त्रेते युग की अद्धी उम्र घट गई, 8,64,000 साल की उम्र द्वापर युग की अद्धी उम्र घट गई, 4,32,000 साल की उम्र कलयुग की अद्धी उम्र घट गई। इस तरह बंदियां दी उम्र घटती गई, अपनी भी उम्र बहुत थोड़ी आ। आपां नूं बहुत सौखा सतगुरां ने समां दित्ता है, जिहदे विच अपने मुख विचों बोलदे हुंदे सी, एकंकार दी बनाई दाते बेड़ी, बनाई दाते बेड़ी, जप्पू लाया सतनाम दा एकंकार दी, एकंकार दी बनाई दाते बेड़ी, बनाई दाते बेड़ी, जप्पू लाया सतनाम दा एकंकार दी, तेरे रंगां दा अनत नाया वे, अनत नाया वे, दुनिया बनाउण वालिया तेरे रंगां दा, रंगां दा अनत नाया वे, अनत नाया वे, दुनिया बनाउण वालिया जी तेरे रंगां दा, सतयुग विच वासदेव बन के, वासदेव बन के विष्णु विष्णु जपाया प्यारिया, सतयुग च, सतयुग विच वासदेव बन के, वासदेव बन के विष्णु विष्णु जपाया प्यारिया, सतयुग च, त्रेते युग विच राम बन के आ गया, राम बन के आ गया, राम नाम जपाया प्यारिया, त्रेते युग च, त्रेते युग विच राम बन के आ गया, राम बन के आ गया, राम नाम जपाया प्यारिया, तेते जोग च, अपर जोग विच हरि कृष्ण बन के, हरे कृष्ण बन के हर हर नाम जपाया प्यारिया, ते जोग च, अपर जोग विच हरि कृष्ण बन के, हरि कृष्ण बन के हर हर नाम जपाया प्यारिया, द्वापर युग च, कल युग विच नानक गोबिंद जी, नानक गोबिंद जी गोबिंद गोबिंद जपाया प्यारिया, कल युग च, कल युग विच नानक गोबिंद जी, नानक गोबिंद जी गोबिंद 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 जपाया प्यारिया, कल युग च, चारे युग ते चारे अक्षर, चारे अक्षर चैन आपे होआ प्यारिया, चारे युग च, चारे युग ते चारे अक्षर, चारे अक्षर चैन आपे होआ प्यारिया, चारे अक्षर अखरानू कठिया करके, कठिया करके वाहेगुरु मंत्र बनाया प्यारिया, चौहा अखरा, चौहा अखरानू कठिया करके, कठिया करके वाहेगुरु मंत्र बनाया प्यारिया, चौहा अखरा, चार अखर कट्ठे किए वाहिगुरु मंत्र तैयार किया, उस मंत्र नू संसार विच लिआंदा बाबा त्रिलोक सिंह जी महाराज, बाबा गुरमेल सिंह जी महाराज ने
संत सुरिंदर सिंह महाराज जी ने उस नाम नूं संगतां विच वंडिया जी दे नाल लखां जीवां दा आधार होया इशारा हो गया है। इन्हां कुछ कहिंदे खेमां दे जाचकियां सत्संग बोलदिया गुरबाणी शब्द कीर्तन इतिहास बोलदिया अनेकां प्रकार दियां गलतियां भुल्लां। आओ छोटी जी अरदास बेनती करिए कि वाहेगुरु बाबा त्रिलोक सिंह महाराज का खेड़ा खुशियां नाल सुखां नाल वसदा रहे, गुरु घर के भखारी गुरु घर के सेवादार इतों खुशियां लैके घर जाते रहन, गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे पौड़े सरबत दा भला। ये पहली नमस्कार है मेरी श्री गुरु नानक नूं, पहली नमस्कार है मेरी श्री गुरु नानक नूं, ये पहली नमस्कार है मेरी श्री गुरु नानक नूं, पहली नमस्कार है मेरी श्री गुरु नानक नूं, दुखियां दी जो लै अवतार सियाया, ए खातर दुखियां दी जो लै अवतार सियाया, खातर दुखियां दी जो लै अवतार सियाया, ए खातर दुखियां दी जो लै अवतार आया, मेरा दूत दवैत जग तो जांदा भज्जा सी, नेरा दूत दवैत जग तो जांदा भज्जा सी, नेरा दूत दवैत जग तो जांदा भज्जा सी, नेरा दूत दवैत जग तो जांदा भज्जा सी, बल्ले बन के सच्चा धर्म व्यापार लिया, 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 एक मां गरीबी बंदगी रीतन जेड़ी संतां दी, हिमा गरीबी बंदगी रीतन जेड़ी संतां दे, हिमा गरीबी बंदगी रीतन जेड़ी संतां दी, ਇਹ ਮਾ ਗਰੀਬੇ ਬਨਗੀ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਨੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਨੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ, ਨੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ, ਨੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ, ਭਗਤ ਸਮਝ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਸਮਝ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਸਮਝ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਸਮਝ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਸਮਝੀ ਜਿਸਨੇ ਕਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਸਮਝੀ ਜਿਸਨੇ ਏਕਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਸਮਝੀ ਜਿਸਨੇ ਏਕਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਸਮਝੀ ਜਿਸਨੇ ਏਕਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਤਪੇ ਕਣਾਏ ਠਾਰੇ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ ਦੇ, 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 ਕਿਧਰੇ ਪੰਜਾਂ ਹਲਾ ਕੇ ਰਿੜਿਆ ਪਾੜ ਟਕਾਇਆ, ਕਿਧਰੇ ਪੰਜਾਂ ਹਲਾ ਕੇ ਰਿੜਿਆ ਪਾੜ ਟਕਾਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਂ ਹਲਾ ਕੇ ਡਿਗਿਆ ਪਾਲ ਟਕਾਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਂ ਹਲਾ ਕੇ ਡਿਗਿਆ ਪਾਲ ਟਕਾਇਆ, ਏ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਲਾਲੋ ਆਣ ਗਰੀਬ ਦੇ, 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 ਜੇ ਲੰਗਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਲੰਗਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ,
लंगर मलक पकोदाना सतगुर नू पाया लंगर मलक पकोदाना सतगुर नू पाया हरे उच्चे नीवे देखे बाबे नानक दे पाणे उच्चे नीवे देखे बाबे नानक दे हरे उच्चे नीवे देखे बाबे नानक दे पाणे उच्चे नीवे देखे बाबे नानक दे राजा थल मैयल सबनी थाई समाया जेड़ा जल थल मैयल सबनी थाई समाया जेड़ा जल थल मैयल सबनी थाई समाया जेड़ा जल थल मैयल सबनी थाई समाया ए बाबे सतनाम कह के मन चो कढ़िया खुदिया नू बाबे सतनाम कह के मन चो कढ़िया खुदिया नू बाबे सतनाम कह के मन चो कढ़िया खुदिया नू ए बाबे सतनाम कह के मन चो कढ़िया खुदिया नू ए तेरा ही तेरा कह के सब दी चोली पाया ए तेरा तेरा कह के सब दी चोली पाया तेरा तेरा कह के सब दी चोली पाया तेरा तेरा कह के सब दी चोली पाया ए प्यारे मिठत नीवी दसी बाबे नानक ने 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 सब तो उच्चा ओ है जिसने नाम ते आया ये सब तो उच्चा ओ है जिसने नाम ते आया सब तो उच्चा ओ है जिसने नाम ते आया ये सब तो उच्चा ओ है जिसने नाम ते आया मैनू पार लगादा ता ए मेरी जिंद नु माणी डोले मैनू पार लगादा ता मेरी जिंद नु माणी डोले मैनू पार लगादा ता मेरी जिंद नु माणी डोले मैनू पार लगादा ता मेरी जिंद नु माणी डोले मैनू पार लगादा ता मेरी जिंद नु माणी डोले मैनू पार लगादा ता मेरी जिंद न माणी डोले मैनू पार लगादा ता मेरी जिंद न माणी डोले मैनू पार लगादा ता मेरी जिंद न माणी डोले 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 माणी डोले मेरी जिंदन माणी डोले मैनू पार लगादा ता मेरी जिंदन माणी डोले मैनू पार लगादा ता मेरी जिंदन माणी डोले मैनू पार लगादा ता मेरी जिंदन माणी डोले जिंदन माणी जे ना पार लगाया जे ना पार लगाया रुड़ जावेगी जिंदन माणी जेना पार लंघाया दातिया जेना पार लंघाया हाथी ओड़ कर यार करन लई तेरे नर ते आया जान जा तेरे नर ते आया हाथ जोड़ पर याद करन ली तेरे दर ते आया दातिया तेरे दर ते आया मेरी आस बजाना ता मेरी जिंदन माणी डोले मैनू पार लगाना ता मेरी जिंदन माणी डोले मैनू पार लगादा ता मेरी जिंदन माणी डोले मैनू पार लगादा ता मेरी जिंदन माणी डोले जिंदन माणी डोले 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 मेरी जिंदन माणी डोले मैनू पार लगादा ता
मेरी चंदन माणी डोले मैनू पार लंघा दाता मेरी चंदन माणी डोले मैनू पार लंघा दाता मेरी चंदन माणी डोले मैनू पार लंघा दाता मेरी चंदन माणी डोले चार सवेरे नेरा चार चपेरे नेरा दिसदा किधर नू तुर जावा दातिया किधर नू तुर जावा तेरे पाछों कोई नी सुनदा किसनू हार सुनावा दिसदा किसनू हार सुनावा ਬਾਜੋ ਕੋਈ ਨੀ ਦਿਸਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਏ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋ ਕੋਈ ਨੀ ਸੁਣਦਾ ਕਿਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋ ਕੋਈ ਨੀ ਦਿਸਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨੀ ਲਾ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨਮਾਣੀ ਡੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨਮਾਣੀ मेनू पार लंघा दाता मेरी जिंद नमाणी डोले मेनू पार लंघा दाता मेरी जिंद नमाणी डोले 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 ਮਾਣੀ ਡੋਲ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨਮਾਣੀ ਡੋਲ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦਾਤਾ 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 ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨਮਾਣੀ ਡੋਲ ਮਜਬਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਧਨ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰੋ ਸਵਾਮੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਸਵਾਮੀ ਪਵਜਲਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਕਰੋ ਸਵਾਮੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਸਵਾਮੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੋ ਦਾਤਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਈ ਖਨਾਮੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਈ ਖਨਾਮੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੋ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਈ ਖਨਾਮੀ ਦਾਤਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਈ ਖਨਾਮੀ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੋ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਈ ਖਨਾਮੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਈ ਖਨਾਮੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੋ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਈ ਖਨਾਮੀ ਮੈਥੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਈ ਖਨਾਮੀ ਮੇਰੇ ਬਖਸ਼ ਕਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨਮਾਣੀ ਡੋਲ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦਾਤਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨਮਾਣੀ ਡੋਲ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦਾਤਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨਮਾਣੀ ਡੋਲ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦਾਤਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨਮਾਣੀ ਡੋਲ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨਮਾਣੀ ਡੋਲ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨਮਾਣੀ ਡੋਲ ਜਿੰਦ ਨਮਾਣੀ डोले मेरी जिंदन माणी डोले मेरी जिंदन माणी डोले मेरी जिंदन माणी डोले जिंदन माणी डोले मेरी जिंदन माणी डोले जिंदन माणी डोले मेरी जिंदन माणी डोले पार लगा दाता मेरी जिंदन माणी डोले मैनू पार लगा दाता ए मेरी जिंदन माणी डोले पार लगा दाता मेरी जिंदन माणी डोले मैनू पार लगा दाता मेरी जिंदन माणी डोले ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਜਮਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰੋ ਸੁਆਮੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੋ ਦਾਤਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਈ ਖਨਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਗਜ਼ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੁਕੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘਾ ਤੂੰ ਇਹੋ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਲਿਖਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਗਰ ਗਏ ਭੁੱਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸਮਝਾਏ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰਗ ਪਾਏ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੇਖ ਜੋਦਿਆ ਤੇਰਾ ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋੜੀਏ 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 ਉਹ ਵੇਖ ਜੋਦਿਆ ਤੇਰਾ ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋੜੀਏ
वेख जो दया तेरा आखा किदा मोड़िए वेख जो दया तेरा आखा किदा मोड़िए वेख जो दया तेरा आखा किदा मोड़िए 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 पाड़ के बुलावा तेनू ओदे नाल जोड़िए 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 पाड़ के बदावा तेनू ओदे नाल जोड़िए पाड़ के बदावा तेनू ओदे नाल जोड़िए पाड़ के बदावा तेनू ओदे नाल जोड़िए वेख जो दया तेरा आखा के मैं मोड़िए वेख जो दया तेरा आखा किदा मोड़िए वेख जो दया तेरा आखा किदा मोड़िए वेख जो दया तेरा आखा किदा मोड़िए ये कितों बोड़दा तिया जी अर्जा करदा सेवक तेरा 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 सूरज नित चढ़दा है सानू सतगुरु बाज हनेरा 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 मेरी रुड़दी बेड़ी दा आपे बनया मलासी आके मेरी रुड़दी बेड़ी दा आपे बनया मलासी आके रुड़दी बेड़ी दा आपे बनया मलासी आके मेरी रुड़दी बेड़ी दा आपे बनया मलासी आके कृपा कर दाता तारी इस संगत नु आके हुण कृपा कर दाता तारी इस संगत नु आके हुण कृपा कर दाता तारी इस संगत नु आके कृपा कर दाता तारी इस संगत नु आके सूरज नित चढ़दा है सानू सतगुरु बाज हनेरा जो मेरे सतगुरु नु अर्जा करदा सेवक तेरा जो मेरे अर्जा करदा सेवक तेरा कह दो मेरे सतगुरु नु अर्जा करदा सेवक तेरा दुनिया पुछदी है गुरु धारना कित्थों कीती मेरे दुनिया पुछदी है गुरु धारना कित्थों कीती मेरे दुनिया पुछदी है गुरु धारना कित्थों कीती मेरे दुनिया पुछदी है गुरु धारना कित्थों कीती ओटेसी रहिंदा है मेरी जिसदे नाल परीती 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 मैनू आन छड़ा दाता अज मैं फड़िया पल्ला तेरा कह जो मेरे सतगुर नू अर्जा करदा सेवक तेरा कह दो मेरे दाते नू अर्जा करदा सेवक तेरा कह दो मेरे सतगुर नू अर्जा करदा सेवक तेरा तेरी काली कोटी दे मैनू हरदम पैण भुलेखे 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 सतगुरु आ जावे सानू
ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਲੇਖੇ ਜੇ ਸਤਗੁਰਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਲੇਖੇ ਮੇਰੇ ਸਤਗੁਰਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਲੇਖੇ ਮੇਰੇ ਸਤਗੁਰਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਲੇਖੇ ਅਨਪਾਰ ਲੰਘਾਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਤ ਮਨ ਨੂੰ ਅਰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੇਵਕ ਤੇਰਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਸਤਗੁਰ ਨੂੰ ਅਰਜਾ ਕਰਦਾ ਸੇਵਕ ਤੇਰਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਅਰਜਾ ਕਰਦਾ ਸੇਵਕ ਤੇਰਾ ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਚੰਦੂ ਜੀ ਚਬਾਰਾ ਬਣ ਪੈਂਦਾ ਏ ਆਪ ਤਾਂ ਚੰਦੂ ਜੀ ਚਬਾਰਾ ਬਣ ਪੈਂਦਾ ਏ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਗੁਰੂ ਤਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇ ਆਸ ਹਿਲੀਓ ਸੁਣ ਪੈਣੇ ਕਿਸੇ ਆਸ ਹਿਲੀਓ ਸੁਣ ਪੈਣੇ ਕਿਸੇ ਕੇ ਆਸ ਹਿਲੀਓ ਸੁਣ ਪੈਣੇ ਕਿਸੇ ਕੇ ਆਸ ਹਿਲੀਓ ਸੁਣ ਪੈਣੇ ਮੈਥੋਂ ਕੈਰ ਦੀ ਬਾਤ ਨਾ ਗਈ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ ਕੈਰ ਦੀ ਬਾਤ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਮੈਥੋਂ ਜਿੰਦੜੀ ਦੁਖੜੇ ਸਹੀ ਜਾਵੇ ਸੋਹਣੀ ਜਿੰਦੜੀ ਦੁਖੜੇ ਸਹੀ ਜਾਵੇ ਸੋਹਣੀ ਜਿੰਦੜੀ ਦੁਖੜੇ ਸਹੀ ਜਾਵੇ ਸੱਜਣ ਲੱਖ ਜਹਾਨ ਤੇ ਹੋਣ ਪੈਣੇ 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 ਔਖੀ ਵੇਲੜੇ ਸਾਰਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਔਖੀ ਵੇਲੜੇ ਸਾਰਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਸਹੁਰੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਕੇ ਆਈ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਕੇ ਆਈ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਕੇ ਆਈ ਏ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਮੈ ਤੇ ਅੱਜ ਪਈ ਜਾਵੇ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਮੈ ਤੇ ਅੱਜ ਪਈ ਜਾਵੇ ਗੁਰਾਂ ਜਾਵੇ ਗੁਰਾ ਨਾਲ ਦਵੇ ਅੱਜ ਪਈ ਜਾਵੇ ਸੱਜਣ ਲੱਖ ਜਹਾਨ ਤੇ ਹੋਣ ਪੈਣੇ ਸੱਜਣ
लख जहान दे होण भैणे सज्जण लख जहान दे होण भैणे सज्जण लख जहान दे होण भैणे ए औखी वेलण सारना लही जावे वेलड़े सारना लही जावे ठमिया कौन देवे वेलड़े ठमिया कौन देवे चंदू दी तिया मापियां दी नौ चंदू दी तिया मापियां दी नौ चंदू दी तिया मापियां दी नौ चंदू दी तिया मापियां दी ए मिलना अपने गुरानो आईया मैं 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 लंग जान दे रोकना पैरे दारा वे लंग जान दे रोकना पैरे दारा लंग जान दे रोकना पैरे दारा लंग जान दे रोकना पैरे दारा ए फर्ज अपना नमोण फिर आईया मैं फर्ज अपना नमोण मैं आईया हूं फर्ज अपना नमोण आईया मैं फर्ज अपना नमोण आईया हूं ओ कहिंदा तेरे सहुरे दा आडरिया किसे नूं जान नहीं देना ए उपर खड़के जेठ महीना किरना तिखिया वांग छकीना उपर खड़के जेठ महीना किरना तिखिया वांग छकीना किरना तिखिया वांग छकीना उपर खड़के जेठ महीना किरना तिखिया वांग छकीना उपर खड़के जेठ महीना किरना तिखिया वांग छकीना उपर खड़के जेठ महीना किरना तिखिया वांग छकीना उपर महीना किरना तिखिया वांग छकीना उपर खड़के महीना किरना तिखिया वांग छकीना हमारे कस कस के हमारे कस कस के हमारे कस कस के हमारे कस कस के एक बार जगत दे असाइयां मुखों बोल हस के एक बार जगत दे असाइयां मुखों बोल हस के एक बार जगत दे असाइयां मुखों बोल हस के एक बार जगत दे असाइयां मुखों बोल हस के एक बार जगत दे असाइयां मुखों बोल हस के एक बार जगत दे असाइयां मुखों बोल हस के एक बार जगत दे असाइयां मुखों बोल हस के एक बार जगत दे असाइयां मुखों बोल हस के हरे जन राखे गुरु गोविंद हरे जन राखे गुरु गोविंद
राखे गुर गोविंद हरे जन राखे गुर गोविंद कंठ लाए अब गुण सब मेटे कंठ लाए अब गुण सब मेटे दयाल पुरख बख्शन दे दयाल पुरख बख्शन दे हरे जन राखे गुर गोविंद हरे जन राखे गुर गोविंद चतुर्दिशा कीनो बाल अपना चतुर्दिशा कीनो बाल अपना सिरी ऊपर करतायो सिरी ऊपर करतायो कृपा कटाक अब लोकन कीनो कृपा कटाक अब लोकन कीनो दास का दुख बिधार्यो दास का दुख बिधार्यो हरे जन राखे गुर गोविंद हरे जन राखे गुर कंठ लाए अब गुण सब मेटे कंठ लाए अब गुण सब मेटे दयाल पुरख बख्शन दे दयाल पुरख बख्शन दे हर जन राखे गुरु राखे गुर गोविंद जो मांगे ठाकुर अपने ते जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच हो सच हो वे हर जन राखे गुर गोविंद हर जन राखे गुर गोविंद कंठ लाए अब गुण सब मेटे कंठ लाए अब गुण सब बख्शन दे दयाल पुरख बख्शन दे हर जन राखे गुर गोविंद हर जन
जो मांगे ठाकुर अपने ते जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई ते मैं नानक दास मुक्ति जो बोले दास नानक दास मुक्ति जो वचन करते हैं वो पूरा हुंदा है। आओ मन बिरतियां कागर करिए सतगुरां दे चरणां विच धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे चरणां विच अपनी हाजरी लवाईए ते महापुरखां दे चरणां विच भी अपनी हाजरी लवाईए। सारे उचारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु, फिर उचार करो सतनाम श्री वाहिगुरु। ये घर है जिथे पूर्ण महापुरख हुए हैं। तन तन संत बाबा तरलोक सिंह जी, उचारण करो श्री वाहिगुरु। उन्हां दी बड़ी कमाई है प्यारी साध संगत, और बड़ी तपस्या है उन्हां दी। जदों वो राज मिस्त्री दा काम करिया करदे सन ना प्यारी साध संगत, सहारनपुर एक बीबी दे घर इमारत दा काम करदे सन, अजे प्रगटताई नहीं हुई सी। रात 12 बजे तो बाद वो बाहर नू चले जांदे सन। संत बाबा तरलोक सिंह जी, उचारण करो श्री वाहिगुरु। कमाई वेखो जिवें धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जदों बाबा बकाला साहब रहिंदे सी ना, ते रात नूं 12 बजे उठ के ते दरिया ब्यास दे कंढे ते बैठ के तप करदे सन। बारां बजे तों बाद उठदे सी, फिर भोरा साहब तप कीता, बंदगी कीती, ते संत बाबा तरलोक सिंह जी वो भी
रात 12 बजे उठ के ना ते बाहर नू जांदे सी ते भगती करिया करदे सी। ओ समा सामने लियाओ प्यारी सासन, जंगल बियाबान सन, एक दिन माई नू पता लगा, वो कह लगी भी ये जांदे किधर हैं। वो भी मगर मगर चल पई एक दरख्त दे थले, संत बाबा तरलोक सिंह जी तप कर रहे सन। प्यारी सास उचारण करो श्री वाहे, ते उन्हें दो तीन दिन वेखिया कि ये महापुरश हैं, ये तो भगती करते हैं, ते नाल उन्हें होर की वेख्या भी दो शेर भी उन्होंने आसे पासे सन। उचारण करो श्री वाहिगुरु जी। ये जड़े देव रूहां हुंदियां हैं ना, ये पैरे ते हुंदियां प्यारी साध संगत, ये जड़े दरगाह तो आते हैं ना संत महापुरश, इन्हां दी ड्यूटी लगी हुंदी है कि संगतां नूं गुरु चरणां दे नाल जोड़ना। दरगाह दे विच उन्हां दा नाम लिखिया हुंदा है, कई संतां दा नहीं लिखिया हुंदा। जिहड़े पूर्ण महापुरख हुंदे हन ना दरगाह ही महापुरश, ये जदों आउंदे हन नाल शक्तियां भी इन्हां दे आउंदियां हन। उचारण करो श्री वाहिगुरु। ये कल्ले नहीं आउंदे, ये पूर्ण महापुरखां दा बचन है प्यारी साध संगत। वो कहिंदे सन कि जदों कोई महापुरख दरगाह चों आउंदा है ते नाल उहदे फरिश्ते भी आउंदे हन, ताकतां आउंदियां हन, शक्तियां भी नाल ही आउंदियां हन। ते उह माई ने वेख्या कि संत बाबा तरलोक सिंह जी बंदगी कर रहे हन, ते सज्जे खब्बे पासे दो शेर भी बैठे हन, भाव उह पहरा दे रहे हन। उह माता कहन लगी, महापुरखो हुण मैं तुहाडे कोलो काम नहीं करवाउणा, तुसी ते पूर्ण महापुरश हो, ते मैं ते दस देना सारिआं नूं कि इह ते रब्बी जोत हन, मैं ते सब नूं दसांगी। ते बाबा तरलोक सिंह जी दे मुख चों सह सुभाअ निकलिआ, अन्नीए तूं की दसना है। उचारण करो श्री वाहिगुरु। उस वेले ओ माता दी जोत चली गई प्यारी सास। ये संत बाबा सुरिंदर सिंह जी महाराज अपने मुखार पिन तो बचन सुनाउंदे सी, उन्होंने आख्या वो माता अज भी है, 114 साल दे करीब उहदी उम्र होवे। मेरा कहन तो भाव कि जिहड़े महापुरश हुंदे हन उहनां दे जदों कोल भी रहीए जां विचरीए उन्हां दे नाल ते भै विच रहना चाहीदा है। उम्र दा कोई तकाजा नहीं है प्यारी साध संगत। गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज जी दी आजू छोटी सी, किसी ने शक कीता, कहन लगे ये गुरु किस तरह हो सकते हैं। ये अंबाले दे इलाके दा जिक्र है प्यारी साध संगत। गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज बाल अवस्था है, कह लगा जे गुरु हैं तो अर्थ करके दसन गीता दे, इतिहास तुसा ने सुनिया है। महाराज आख लगे आपां की अर्थ करने हैं, तुसी कोई ऐसा बंदा लै आओ जिदे कोल दिमाग भी ना होवे। उन्होंने वो बंदा लियांदा जो सही तरीके गल भी नहीं सी कर सकता, ते महाराज जी ने छड़ी रखी ते पूरे गीता दे अर्थ करवा दिते। उम्र का कोई तकाजा नहीं, दर्शन दे रहे हैं साढ़े सत्कार योग संत बाबा तरमिंदर सिंह जी महाराज। उम्र का कोई तकाजा नहीं प्यारी साध साहब, इन्हां दे नाल बड़िया ताकतां हैं, बड़िया शक्तियां हैं, बड़े फरिश्ते इन्हां दे नाल हन, ते बड़ी कमाई वाले इन्हां दे वड वडेरे भी इन्हां दे नाल हन। उचारण करो श्री वाहिगुरु।
ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਅਚਾਨਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਕਮਰੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੇਖੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਿਰਧ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਤ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਜਨ ਰਾਖੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਔਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਦਰਗਾਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲਿਆਓ ਡਾਕਟਰ ਲਿਆਓ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੀ ਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਵੇਖੀ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ 'ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੈ ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਵੇਖੋ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉੱਥੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹੇ ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਨ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਆਓ ਜਪੀਏ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ 'ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ 'ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਈਹਾਂ ਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਈਹਾਂ ਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਹਰ ਜਨ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰ ਜਨ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮੇਟੇ ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮੇਟੇ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ਣ
दयाल पुरख के बख्शन दे हर जन।